मैंने स्टूडेंट्स को रिक्वेस्टिंग फॉर अ मोटिवेशनल वीडियो, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसमें कुछ कुछ बात जो है ना, मैं पहले डिस्क्लेमर दे दे रहा हूं, आपको चुभ भी सकता है, सो वॉच इट एट योर ओन रिस्क। दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ठीक है, आप में से बहुत जन ऐसे हैं जिनको वो किक नहीं मिल रहा है, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है कि बुक खोले और पढ़ाई लिखाई चालू करें और एग्जाम सर पर है और उनको पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो ऐसे बच्चों को एक बार सोचना चाहिए, मैं तुम्ही से बात कर रहा हूं, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि नहीं यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा, किक नहीं मिल रहा, तो पहले मैं एक चीज बता दूं, ये कोई खेल नहीं है जो मन के हिसाब से करोगे, ये कोई मूवी नहीं है या वेब सीरीज नहीं है जो मन के हिसाब से देखोगे, ये तुम्हारा कर्म है, तुम बने हो ये करने के लिए। याद करो वो दिन जिस दिन तुमने इस कोर्स में एनरोलमेंट कराया था, याद करो वो जज्बा, वो पैशन जिसके साथ तुमने अपने आप को वादा किया था कि नहीं यार एकदम चीर फाड़ करके कोर्स करेंगे, मम्मी पापा को प्राउड करेंगे, अपने लाइफ में कुछ अपने लिए करेंगे। अपने आप को आईने में देखो, दिस इज द ओनली डिसीजन ऑफ योर लाइफ दैट यू हैव टेकन योरसेल्फ, द फर्स्ट वन। ये आपका पहला सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो आपने खुद लिया है, आपके मम्मी पापा ने आपको ये कोर्स जो है करने के लिए फोर्स नहीं कर रखा है। अगर पहला डिसीजन है लाइफ का, वो भी इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन, जीवन के 20 साल बिता चुके हो और ये पहला डिसीजन है तुम्हारा जो तुमने अपने लाइफ को लेकर के लिया है, इसी के साथ अगर जस्टिफाई नहीं कर सकोगे तो कैसे आंख मिलाओगे अपने आप से? फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड, लोग क्या कहेंगे भूल जाओ, अपने आप से कैसे आंख मिलाओगे? तुम्हारा काम है बेस्ट देना, बेस्ट दो, अपना तपा दो एकदम। मेरे को पता है यहां से जो एक दो महीना का जर्नी है बहुत बहुत टफ रहने वाला है, अंगारों पर चलने जैसा है, बट ये भी तो सोचो कि उस अंगारों के बाद जो फूल का रास्ता है, फ्लावर्स बिछा हुआ है, वो भी तो तुम्हारे लिए ही है। अंगारों पर चल करके ही तुम्हें वो राह मिलेगी। मैं बताता हूं, जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, आई यूज टू लिव इन अ सिंगल रूम फ्लैट, एक रूम, मम्मी पापा सिस्टर हम लोग चार व्यक्ति सिर्फ एक रूम में रहा करते थे, उसी रूम में जो है पढ़ना पड़ता था। आप समझ रहे हैं, 100 स्क्वायर फीट, 150 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा फ्लैट था, उसी के अंदर पढ़ाई करना पड़ता था। बहुत टफ था, बहुत चैलेंजिंग था, तो दो ही ऑप्शन था, या तो छोड़ दो तो क्या करता, कुछ नहीं, और कर लिया तो देखो अब नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज जो है वो मेरे को याद नहीं रहता, वो मेरे को बैलेंस शीट देखना पड़ता है। तो मैं वही आपको बता रहा हूं कि मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, इनर डिजायर टू डू समथिंग। कोई आपको एक्सटर्नली आकर के मोटिवेट नहीं कर सकता, मोटिवेशन मींस इनर डिजायर, वो आपको अंदर ही अपने अंदर आग लगाना पड़ेगा, अंदर आग जलाना पड़ेगा, तभी आप चीर फाड़ करके पढ़ाई कर सकेंगे। और याद रखना, इसका सारा फल सिर्फ और सिर्फ तुमको मिलेगा। पेरेंट्स जो है इमोशनली कनेक्टेड है, वो आपसे रुपया नहीं मांगने वाले हैं कि बेटा इतना इन्वेस्टमेंट हुआ इतना रिटर्न के साथ दे, बट हाँ अगर तुमको वो सक्सेसफुल बनते हुए देखेंगे तो इमोशनली जो है ना, तुम उनको जो रीपे कर रहे हो, इमोशनली जो हैप्पीनेस उनको दे रहे हो, वो अनमैचेबल है। तो तुमको मैं कितना कारण बताऊं भाई कि अभी अगर पढ़ ले रहे हो, ठीक है, अभी अगर पढ़ ले रहे हो, ना केवल तुम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा रहे हो, सोसाइटी में कुछ एक एसेट बन करके उभरोगे और आने वाला जीवन का 60-70 साल जो है तुम्हारा अच्छा जाएगा। यहां पर खाली 2 महीना जो है ना, 2 महीना अपने आपको आग में झोंक दो, कुछ भी नहीं है, ये 2 महीना अपने आपको आग में झोंक देना, रिमेनिंग 50-60 साल जो है जीवन का तुम वो कर सकोगे जो तुम करना चाहते हो। और अगर अभी दो महीना अगर अपने आपको तुम नहीं झोंके तो आने वाला 50-60 साल जो है लोग तुमको झोंकते रहेंगे। इससे अच्छा है कि 2 महीना तुम खुद को झोंक करके एकदम चीर फाड़ करके पढ़ाई करो। आई होप द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। जी हाँ, रहा टफ है, 2 महीना जो है अपने मन को मार करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो, ठीक है, और पढ़ाई में ही जो एक पागलपन ढूंढ लो, पढ़ाई में ये वाह यार आज हम लोग को इतना देर पढ़ना है, वाह मजा आ गया, प्रोडक्टिव स्टडी करो, ठीक है। लोग बोलते हैं सर कितना घंटा पढ़े, वैसा कोई नहीं है, तुम अब खाली पढ़ाई के बारे में सोचो, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते खाली पढ़ाई के बारे में सोचो, ठीक है, और खुश रहो पढ़ते समय, ऐसा नहीं कि मुंह लटका करके पढ़ रहे हो। 2 महीना का ये संघर्ष है और रिमेनिंग 50-60 साल जो है आराम से तुम जो है यू विल बी एबल टू डिक्टेट टर्म्स टू दिस वर्ल्ड, अदरवाइज द वर्ल्ड इज गोइंग टू डिक्टेट टर्म्स टू यू। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज एकदम चीर फाड़ करके जो है पढ़ाई में लग जाओ, और ये मत बोलो कि मन नहीं कर रहा, और ये मत बोलो कि समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, समय कम है, समय कम है, समय कम है, टाइम कम है, टाइम कम है। माता सरस्वती जो है ना,
बोला जाता है कि एक दिन में एक विश पूरा करती है। तो अगर तुम बोलोगे टाइम कम है माता सरस्वती तुमको टाइम दे देगी, और 6 महीना ले ले भाई, टाइम कम है ना तेरे पास, और 6 महीना ले, तो ये सब मत बोलो टाइम कम है, ठीक है। और अपने आप को जो है ना विक्टिम कार्ड मत प्ले करो, हाय मेरे को इतना पढ़ना पड़ रहा है, मेरे को इतना पढ़ रहा है। तो क्या करना चाहते हो, ताश पत्ता खेलना चाहते हो, हाँ रास्ते पे लेट करके जैसे बेरोजगार लोग हैं वैसा लाइफ जीना चाहते हो, यू आर लकी दैट यू आर बिजी, यू आर लकी दैट यू आर स्टडिंग दिस कोर्स, सो डू जस्टिस टू दिस कोर्स, और अभी के अभी वीडियो बंद करके पढ़ने बैठ जाओ एकदम।